Assalamualaikum everyone, welcome to Abby's Kitchen. Today's recipe is about a Turkish shish kebab or sis kebab. Grilled vegetables, juicy and mild spices के साथ तैयार की जाने वाली ये recipe बहुत ही authentic है और I hope मैं आज की recipe आपको पसंद आएगी. रवायती तौर पर इस recipe में मटन या लैम का मीट और फैट दोनों यूज़ किए जाते हैं और इसके साथ वेजिटेबल्स को भी सेपरेटली ग्रिल किया जाता है. और आज ना सिर्फ टर्किश शिश कबाब बल्कि इसके साथ सर्व होने वाला बहुत ही डिलीशियस सैलड वो भी बनाना सिखाऊंगी. चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं. इस रेसिपी का सबसे पहला स्टेप मटन को मैरिनेट करना है और इसके अंदर मैं मटन यूज़ कर रही हूँ. उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिए, ये बोनलेस है. आप चाहें बीफ और लैम भी यूज़ कर सकते हैं. और इसी के साथ मैं मटन का फैट भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसे भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिए. ये भी इसमें ऐड कर दूँगी और अब इसकी मैं सीजनिंग करूँगी. बेसिकली शीश कबाब में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं होते, ये माइल्ड स्पाइसी होता है. तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और अब मैं कच्चा पपीता वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी. मैंने यहाँ कच्चा पपीता यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कचरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं. और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर दिया है, काली मिर्च का पाउडर ये भी इसमें शामिल कर दिया. इसके साथ ही मैं इसके अंदर दालचीनी और ज़ीरा पाउडर ये भी ऐड कर दूँगी और अब पेपरिका पाउडर ये भी इसमें शामिल कर दूँगी, हल्दी पाउडर ये भी इसमें डाल दूँगी. इसके साथ ही मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ये भी इसमें शामिल कर दिया, ये ऑप्शनल है. अब इसके अंदर मैं नमक भी शामिल कर दूँगी, लेमन जूस ये भी इसमें ऐड कर दूँगी और दही है मेरे पास ये भी इसमें शामिल कर दिया. और दही से शीश कबाब बिल्कुल ड्राई नहीं होगा और इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैं मीट के साथ मिक्स कर लूँगी. को मैंने मिक्स कर लिया था और अब लास्ट में मेरे पास प्याज का पानी है, ये इसमें शामिल कर दूँगी. एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसको थोड़े से पानी के साथ मैंने ब्लेंड कर लिया था, उसको छान के मैंने इसमें उसका पानी यूज़ किया. इसके साथ ही मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी ऐड कर दिया है, आप चाहें तो रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. इसे मिक्स कर लिया और अब इसे मैं मैरिनेट करने के लिए तकरीबन ओवरनाइट या 6 to 8 hours के लिए मैरिनेट करूँगी. इसके बाद हम इसे कुक करेंगे. तो जब तक मीट हमारा मैरिनेट होता है हम वेट करते हैं. मटन मैरिनेट हो गया, इसे मैंने एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रिज में ओवरनाइट के लिए रख दिया था और अब ये रेडी हो चुका है. इसे मैं एक बाउल में डाल लूँगी और दोबारा मिक्स करूँगी और इसे सीखो में प्रो कर इसको हम कुक करेंगे. तो चलें हम आगे का प्रोसीजर करते हैं. आप देख सकते हैं मटन को और मैंने उसके साथ ही फैट को भी सीखो में प्रो लिया है और इसके साथ ही मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं उनको भी कुक करूँगी, जिसमें अनियन, टमाटो और कैप्सिकम है और इनको मैंने कोयले पे रख दिया और ये कुक हो रहा है. तो जब तक ये कुक होते हैं मैं आगे का प्रोसीजर करती हूँ. हम एक मज़ेदार सा सैलड रेडी करते हैं झटपट सा. तो चलें हम अब क्विक सैलड रेडी करते हैं. इस मज़ेदार से क्विक सैलड के लिए एक बाउल लूँगी, इसके अंदर मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया, इसके साथ ही काली मिर्च और नमक ये भी शामिल कर दिया है.
इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी ऐड कर दूँगी, आप चाहें तो रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे मिक्स कर दूँगी। हमारी सैलड की ड्रेसिंग रेडी हो गई है। अब मैं एक बाउल में वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। इसके अंदर मैंने खीरा लिया है, इसे बारीक चॉप कर लिया है। अनियंस लिए हैं, इसे भी बारीक चॉप कर इसे पानी से वॉश कर लिया है। और टमाटो मैंने ऐड कर दिए, इसके साथ ही मैंने हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दिया। और अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी। एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है और अब वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही जो सैलड ड्रेसिंग रेडी की थी वो भी पोर कर दी और इसे मिक्स कर लूँगी। हमारा बहुत ही डिलीशियस क्विक सैलड रेडी हो गया है। और अब बारबेक्यू चेक कर लेते हैं। शीश कबाब बेहतरीन कुक हो रहे हैं और इनको बीच बीच में मैं टर्न करती जाऊँगी ताकि इक्वली इनकी साइड जो है कुक हो जाए। और इनके सेंटर में जो मैंने फैट के पीसेस लगाए हैं वो भी मेल्ट होने लगे हैं। और आप ग्लेज देख सकते हैं इस पर, वो योगर्ट और हमने ऑयल जो लगाया है उसकी वजह से। शीश कबाब को 10 टू 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर कुक करूँगी। और अब आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। और जैसे ही ये कम्प्लीटली कुक हो जाएंगे मैं इनको डिश आउट कर दूँगी। बहुत ही डिलीशियस शीश कबाब रेडी हो चुके हैं और अब इसे मैं डिश आउट करूँगी। लीजिए व्यूवर्स, हमारी आज की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी टर्किश शीश कबाब इज रेडी टू सर्व। मैंने इसे ग्रिल वेजिटेबल्स और बहुत ही टेस्टी सैलड के साथ सर्व किया है। आप भी इसको इसी तरीके से बनाएं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। मेरी रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।